भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है और स्वाभाविक है कि जैसे देश के अंदर एक वातावरण बना है, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके और एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे और उसमें हरियाणा का हमारा योगदान पहले से ही शत प्रतिशत योगदान है, उसी शत प्रतिशत योगदान को ज़्यादा मार्जिन से और ये सीटें जीत करके हम उनकी झोली में डालेंगे। और इस बात को देखते हुए जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे खास करके आज हमारे पूर्व मंत्री CPS जिलेश सिंह शर्मा जी जो असंध से विधायक पहले बने थे, आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, मैं इनका और इनके जितने ही समर्थक हैं हज़ारों की संख्या में इनके समर्थकों ने ज्वाइन किया उनका सबका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के, जन कल्याण मोर्चा के, कांग्रेस के कई सरपंच, पूर्व सरपंच, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, कई लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी ज्वाइन की है, उन सबका अभिनंदन। तारीफ करके गए हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी कसीदे पढ़े, किससे भी सुनाए। देखिए, चूँकि हमारे उनके बहुत पुराने उस समय के संबंध है जब इकट्ठे हम काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के समय से पूर्व भी वो भी संघ के प्रचारक के नाते से, मैं भी संघ के प्रचारक के नाते से जब काम करते तो बहुत सादा जीवन सब लोगों का रहा है और वो पुरानी बातें हालांकि मैं कभी दोहराता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि वो बड़े आदमी हैं वो दोहराते हैं तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम लोगों ने इकट्ठे 5 साल तक एक साथ पंचकूला में, जब उनका भी हेडक्वार्टर था मेरा भी हेडक्वार्टर था, हम काम करते थे और बहुत आनंद आता था उन दिनों को याद करके। हमको भी ज़रा उमंग और एक उत्साह मिलता है और उनकी इस तरह की बातचीत से हमें प्रेरणा मिलती है। अपने विजेंद्र सिंह छोड़ गए हैं सर बीजेपी, अब बात ये ना कि कोई आएगा कोई जाएगा, ये सिलसिला तो ऐसा चलेगा। अब विजेंद्र सिंह जी का कोई एक स्थायी जैसा एक विषय रहना चाहिए वो हमको भी लगा नहीं, वो अपने तरीके की बातें कभी करते रहते हैं। जैसे आप जो इनके बेटे तो नहीं कह रहे थे, मेरा तो बहुत पुराना संबंध रहा है कांग्रेस से और अभी भी लगातार संपर्क में थे। मुझे लगता है कि जिस आदमी को विचार पूर्वक जहाँ एक बार आना चाहिए, विचार को समझ करके आना चाहिए। हमने तो आज यहाँ भी जो कांग्रेस लोग आए हैं वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समझ करके आना चाहिए, बिना समझे यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर वो बिना समझे आए थे चले गए कोई बात नहीं, ये लागू हो सकता है सर आज अधिसूचना नोटिफिकेशन। अभी मुझे जानकारी दूसरी सूची कब आ सकती है बीजेपी? अभी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कभी भी रोजाना अब 2-3 दिन लगातार होगी जब भी हरियाणा की बारी आएगी। अंबाला और करनाल के पुलिस कर्मियों की प्रमोशन पिछले काफी समय से रुकी हुई है, अंबाला और करनाल के पुलिसकर्मी ASI हो जाते हैं लेकिन दूसरे जिलों के सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। पुलिस में कांस्टेबल लेवल पर डिविजनल लेवल की कैडर होता है तो डिविजनल लेवल के कैडर में कई बार सेंक्शन पोस्ट कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, उसके नाते से कहीं प्रमोशन थोड़ा देर होती है कहीं ज़्यादा होती है जल्दी होती है। उनके रिप्रेजेंटेशन हमको ही मिले हैं, हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि इसका कोई ना कोई एक रास्ता निकाल करके ताकि एक ही समय पर सभी कांस्टेबल जो हैं मेरिट उनकी समान बने और उनकी जो प्रमोशन है एक लोकसभा में 2 टिकट मिले और विधानसभा में 10 मिलनी चाहिए। देखिए, मांग करना उनका काम है, बाकी JJP को कोई टिकट मिल रही है या 10 की 10 पे बीजेपी? अभी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड वो विचार करेगा, बताएं।